आज हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह दावा कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार बटन दबाकर अगर 6,000 रुपया किसान के खाते में भेजती है तो 6 का 6,000 रुपया किसान के खाते में जमा होता है, कोई दलाल और बिचौलिया नहीं है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब आज पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी हो रही है तो आज राजस्थान के 57 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है, सीकर जिले के 2 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है और आज 1278 करोड़ रुपया इस राजस्थान के किसानों के लिए जारी होगा। जब से योजना का आरंभ हुआ है तब से लेकर अगर आज तक हम गिनें तो 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से राजस्थान के किसानों को मिली है। यह प्रधानमंत्री जी का एक तौर से बड़ा उपहार है। आज का यह दिन राजस्थान के इतिहास में निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है, जब पीएम किसान सम्मान निधि का 17,000 करोड़ रुपया यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के किसान भाइयों और बहनों को और उपस्थित सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करेंगे कि किसानों के लिए एक ही स्थान पर कृषि संबंधित सभी जरूरतों का समाधान प्रस्तुत करने वाले 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, भूमि की उर्वरा शक्ति को अक्षुण बनाए रखने और किसानों के फसल उत्पादन में अभिवृद्धि लाने हेतु तैयार किए गए सल्फर कोटेड यूरिया अर्थात यूरिया गोल्ड एवं 1600 किसान उत्पादक संगठनों का ONDC पोर्टल पर एकीकरण व किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को बटन दबाकर जारी करें, इसके साथ ही एक शॉर्ट फिल्म का प्रसारण भी होगा। योजना की शुरुआत की जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम किसान की 14वीं किस्त के रूप में 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 17,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं।